हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। मैं रीना आज फिर आपको लेकर आई हूँ मेरी शॉप पर। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे शॉप स्टार्ट करने के लिए ढेर सारी विश की थी, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज फिर मैं आपको शॉप दिखाना इसलिए लेकर आई हूँ कि कई सारे लोग मुझे ये भी कॉमेंट करते हैं कि ये जो शॉप है उसे स्टार्ट करने में लगभग मुझे कितना अमाउंट लगा था, स्टार्टिंग क्या हुई थी। सो गाइस, आज मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना अमाउंट लगेगा मिनिमम या मैक्सिमम, और अगर आप छोटे से छोटे बजट से भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से अपनी शॉप का व्यू दिखा देती हूँ। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें क्या चेंज करूँ और कैसे इम्प्रूवमेंट लाऊँ। मैंने कम से कम बजट में ये स्टार्ट करने की कोशिश की है, तो मैंने ज़्यादा खर्चा फर्नीचर पे नहीं किया है। इससे पहले भी आपको मैंने दिखाया था, ये मेरा भाई है जो हेल्प करता है मेरी सारे काम में, शॉप को भी ज़्यादातर यही संभालता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कम बजट में स्टार्ट करना चाहते हैं तो ओनली 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है कि मुझे अंडरगारमेंट्स रखने हैं या फिर बच्चों के कपड़े रखने हैं या फिर कुर्तियाँ शेयर करनी है। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है वो एक चीज़ आप डिसाइड कर लें और सिर्फ एक ही चीज़ आप खरीदें। अब मैं अपनी बताऊं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है इस शॉप में, तो सबसे पहले मैंने ओनली 50,000 ही इन्वेस्ट करना सोचा था। उसके बाद जब मैं शॉप करने गई तो उस वक्त मैंने सिर्फ कुर्तियां ही लेने के लिए सोचा था, लेकिन कुर्तियों के साथ मुझे लगा कि लेंगीज़ रखना भी ज़रूरी है, तो मैंने लेंगीज़ भी उसके साथ इंक्लूड कर ली। उसके बाद जब मैं अहमदाबाद गई थी तो उस वक्त मुझे अंडरगारमेंट्स में भी कुछ अच्छा लगा तो वो भी मैंने ले लिया। तो इस वजह से मेरा जो अमाउंट था, जो बजट था, वो 50,000 से बढ़कर 1,00,000 हो गया। तो अगर आप छोटे बजट से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने ध्यान को भटकाइए मत, जैसे कि मैंने किया, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक्स्ट्रा सामान खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ओनली 5000 रुपीस हैं और आप मान लीजिए कि ओनली कुर्तियां ही सेल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप सिर्फ कुर्तियां खरीदें। उसमें आप सिर्फ 5000 में काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटियां खरीद सकते हैं। तो उसमें आपको, अगर कस्टमर को आप ज़्यादा वैरायटी दे पाएंगे, अच्छी क्वालिटी और अलग अलग टाइप के प्राइस रेंज जो है वो दे पाएंगे, तो कस्टमर उसमें से अच्छे से सिलेक्ट कर पाएगा। मेरे आसपास ऐसी काफ़ी सारी बहनें हैं जो कि घर से ही ओनली 5000 के अमाउंट से स्टार्ट कर रही हैं और कुर्तियों का बिजनेस अच्छे से कर रही हैं, और उनमें से ऐसे एकाध दो बहनें हैं जिसे मैं जानती हूँ कि जिन्होंने अपनी खुद की शॉप भी स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से आप ओनली 5000 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा जो 1,00,000 का बजट था, उसके बाद धीरे धीरे करके अब वो लगभग, मुझे इस शॉप को 2 महीने होने वाले हैं, तो अब वो बढ़कर 1,50,000 जितना हो चुका है। इसके बाद मैंने चिल्ड्रन वेयर स्टार्ट किया क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर की ये डिमांड थी कि मैं चिल्ड्रन वेयर स्टार्ट करूँ, तो मैंने इसमें चिल्ड्रन वेयर का भी कुछ कलेक्शन ऐड किया है। लेकिन इसके लिए मैंने अलग से पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं किए, जो भी सोप से इनकम होने लगी उन्हीं पैसों को मैंने दोबारा नेक्स्ट ये जो चीज़ें थी चिल्ड्रन वेयर की, उसे ख़रीदने के लिए लगाएं। तो अब तक का मेरा ओनली 1,00,000 का ही इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि जो भी फ़ायदा हो रहा था उसमें से मैंने नई चीज़ें खरीद ली हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से, कि अगर आप कुर्तियाँ बेच रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट चीज़ को आप इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप पहले पूरी तरह से रेडी हो जाएं, उसमें पूरी साइज़ें, कलर और अलग अलग प्राइस रेट आप रखने के लिए रेडी है, उसी वक्त आप नेक्स्ट क्रिएशन को, नेक्स्ट कलेक्शन को लीजिए। सो गाइस, इस तरह से आप छोटे से छोटे अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको कहीं पर भी मेरी हेल्प की ज़रूरत लगती है तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन के आंसर दूँ, या फिर मैं कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर पूरा सजेस्ट करूँ।
मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके इस तरह से आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।